हेलो गाइस, मैं इमरान अजमेर से, और आज 7 तारीख है, मुहर्रम की, और मौला अब्बास के रोज़े पर है हम, और जिसमें देख सकते हैं अभी काफ़ी चाहने वाले मौला के। आज मेहंदी भी है और दरगाह शरीफ की भी पूरी अपडेट दूंगा मैं थोड़ी सी, और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देख सकते हैं दोराई अजमेर में है ये रोज़ा, बिल्कुल हूबहू करबला शरीफ का रोज़ा बनाया हुआ है। क्या मौला करम करो मेरा का जो भी परेशान। अजमेर में दोराई है, वहाँ पर मौला अब्बास का रोज़ा है, और उसके बाद अब इसके बाद दरगाह चलेंगे। दरगाह के अंदर दिखाएंगे आपको आज की 7 मुहर्रम 7 तारीख का क्या महफिल है और क्या महफिल है। हम अभी ये देखिए मेहंदी लेकर आ रहे हैं, छोटी सी ऐसी जो वहाँ पर इस साइज़ के अंदर मेहंदी चढ़ाई जाती है, छोटी बड़ी और जो भी अपने हिसाब के होता है। सोचा मैंने थोड़ा सा एक अपडेट दूँ मुहर्रम का, जो 3-4 दिन मुहर्रम के दिन होते हैं यहाँ पर अजमेर शरीफ के अंदर, किस तरह का सा मुहर्रम मनाया जाता है। तो और अंदर फर्श अज़ा कहते हैं जिसको, फर्श अज़ा जो वो बिछाया गया, और अंदर रोज़े की ज़ियारत कराना चाहूँगा। मौला गाजी का रोज़ा है और देख सकते हैं मौला अब्बास का रोज़ा। ये मशक पानी की, हाँ भाई नाम बताओ। मेरा नाम है जुनैद अली। जुनैद अली, हाँ। आपने सबसे फेमस इतर कौन सा है? सबसे फेमस इतर है मेरे कहने सनाया, ये रहा सबसे फेमस इतर है मेरे कहने सनाया। सनाया 24 घंटे कपड़ों पे महक रहेगी इसकी। अच्छा, और इसके बाद एक अटर हमारा सबसे फेमस, उसका नाम है टनाटन। कौन सा? टनाटन। टनाटन, हाँ ये रहा टनाटन, ये भी सबसे फेमस है। और सबसे फेमस हमारी एक बत्ती है, उसका नाम है ऊद। ये अच्छा, 200 साल पुरानी दुकान है हमारी ये। हाँ, ये ऊद 1 घंटे 1 बत्ती चलेगी। ओहो, पूरी। तो भाई जिस भाई को भी, जो भी भाई अपने अजमेर आता है ना, वही भाई देख लिए, और ये भाई नहीं मिले तो ये वाला भाई मिल जाएगा अपन को। हाँ भाई, कुछ कहना है सलीम जी? आइए अपनी दुकान पर, डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारे सब्सक्राइब लाइक करके आएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, फुल डिस्काउंट। माइक ले लो, माइक में बोल बोल। और हमारी कहने एक बत्ती और है, वो भी करीब से करीब 8 घंटे बत्ती। बहुत बढ़िया यार, पूरी ये तो 7-8 साल के बच्चे जितनी होगी। हाँ अच्छा, और ये अपने, मेरे कहने, ये तुम्हारी लोकेशन तो बताओ। लोकेशन है 4 नंबर गेट, अच्छा, नंगर खाना गली,
दरगाह सेतर के पास में ही दुकान है अपनी। जिस भाई को भी अगरबत्ती इतर और कुछ भी लेना हो या अजमेर के फेमस तबर्रुक के तौर के ऊपर, वो भाई के आ सकता है। और इनको छोटी छोटी शीशी भी मिल जाएगी और बड़ी शीशी लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। चार नंबर गेट दरगाह शरीफ में आ चुके हैं हम, और आप देख सकते हैं अभी अजान हुई है जस्ट इशा की, और अभी हम अंदर का ताइशरीफ के वहाँ का वीडियो बनाते हैं। ऐसे छोटी छोटी मेहंदी छोड़ दी ताइशरीफ के ऊपर, ये देख सकते हैं अभी यहाँ बड़े ताइशरीफ जो 8 तारीख के दिन सवारी होगी, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख की पूरी रात। मकबरा के अंदर ताइशिफ रखे गए जो छोटी मेहंदी लेके चढ़ा अंदर चढ़ाई जाएगी अभी मेहंदी। काफ़ी रश है आज 7 तारीख हजरत कासिम की मेहंदी। क्या गरीब नवाज करम करो जो भी हमारी परेशान है हमें। झाल लोग पर दे सकते हैं जो बड़े ताइशे, वो जो अजमेर में जितने ताइशे बनते हैं वो सब यहाँ पर शराब होते हैं। अजीम मोहल्ले की गलियों से होते हुए अब हम जा रहे हैं अंदर कोर्ट की तरफ। ये जन्नत होटल सामने आ चुकी है और आगे देख सकते हैं अभी अजान और नमाज का टाइम है तो ढोल नगाड़े बिल्कुल नहीं बज रहे। मौला गाजी का अब्बास का आलम ये मेहंदी पूरी रात भर सिलसिला चलता रहेगा मेहंदी चढ़ने का बड़े ताइशरीफ के ऊपर। ये अंदर कोट की तरफ से आते हुए सोलह खंबे की तरफ आ गए हम, सोलह खंबे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रोजा आ रहा है। Thank you.
पूरा हु बहु काकोरा शेप पर रोजा देख सकते हैं, इमाम हुसैन का रोजा है। भाई हम अंदरकोट पहुंच, अभी देख सकते हैं हम अंदरकोट भी पहुंच चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 9 तारीख को भाई दोस्त और ये पूरा इंटरव्यू लेंगे अभी भाई का। हाँ भाई हम अंदरकोट आ चुके हैं और अब देख सकते हैं भाई से पूरा इंटरव्यू लेंगे यहाँ भाई 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज अजमेर शरीफ में मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख है, जिसको लेकर के आज आप इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को बताने चाह रहे हैं कि अजमेर शरीफ में होता क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मौला हजरत कासिम बना की मेहंदी चढ़ाई जा रही है और अलम का जुलूस जो है वो जोहर की नमाज के बाद से लेकर के लंगरखाना गली से स्टार्ट होकर के अंदरकोट तक आता है और मगरिब के वक्त सलातुस्सलाम के बाद दुआ होती है, फिर जुलूस खुदाम की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि अभी मेहंदी चढ़ने का सिलसिला जारी है और लोगों जो मौला अब्बास के चाहने वाले हैं वो अपने घरों से अलम लेकर के आ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं मेरे के जिस तरीके से लोग बाग आ रहे हैं और अलम चढ़ा रहे हैं, आप लोगों के सामने ही है। इसके अलावा हमारे यहाँ जब मुहर्रम शरीफ का चाँद नज़र आता है उसके बाद हमारी इमाम बारगाह के अंदर मौला इमाम हुसैन की मरसिया खानी होती है, मरसिया खानी के बाद किताब होती है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तकरीर का प्रोग्राम जो रहता है, मौलवी साहब आते हैं तो पूरा तकरीर का प्रोग्राम करते हैं। और मुहर्रम की 9 तारीख को बाद नमाज ईशा हाई दोस्त होता है यहाँ पे, और हाई दोस्त के बाद में जो भी हैं सभी पार्टियाँ तमाम कदीमी पार्टी जितनी भी हैं वो आती हैं और अपना अपना कलाम पेश करती हैं। मुहर्रम की 10 तारीख की सुबह ऐसा रहता है कि सुबह बाद नमाज 9 बजे के बाद में तकरीर का प्रोग्राम रहता है और बाद नमाज जोहर आयदोस होती है और लास्ट में इख्तिताम की तरफ जाते हैं। तो फिर उसके बाद अपने जैसे कि बड़े ताजे की सवारी भी निकलती है तो उसमें भी जाते हैं? बिल्कुल भाई, 8 तारीख को बड़े ताजे शरीफ की सवारी होती है जिसके अंदर तमाम लोग अजमेर के जितने भी मोमिनीन मौला के मौला हुसैन के जाने वाले हैं, करबला के तरफदार हैं, सब मौजूद होते हैं और वहाँ जाते हैं। और जाने के बाद सवारी में 8 तारीख को शरीक होते हैं, 9 तारीख को शरीक होते हैं, 10 तारीख की रात को शरीक होते हैं। इसके अलावा जो ये जो हुसैन है, कुछ लोग कहते हैं कि ढोल बजाना नहीं जायज है, ढोल के ऊपर जो कुछ बोलते हैं ये मौला की मोहब्बत में बजाया जाता है ढोल। इसको लेकर के कई लोगों के कई सवाल होते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। ये ढोल लोग बाग इसलिए बजाया करते हैं क्योंकि ये ढोल ये बताता है कि मौला हुसैन की जीत का ऐलान करता है, क्योंकि इमाम अली मकाम शहीद होकर के इस दुनिया को जीत की तरफ लेकर के गए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि किसी को कहाँ से क्या जोड़ रहा है, कोई क्या जोड़ रहा है। लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता कि करबला में हुआ क्या है। आज अगर ये ताजी शरीफ की सवारी अलम शरीफ की सवारी ना हो तो लोगों को मालूम ही कैसे चलेगा कि करबला में हुआ क्या था, मौला हुसैन शहीद। आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ी को पता ही लग सके कि मौला हुसैन कौन थे। बिल्कुल यही सब, उनका खानदान कैसे कुर्बान हुआ। सही बात, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ और ये अंदर अभी मरसिया खानी होगी तो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के अंदर। और ये कुछ पेंटिंग्स, ये करबला मोहल्ला से आया गया है, ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है अजमेर शरीफ के अंदर। यहाँ भी मरसिया खानी होती है, आप देख सकते हैं 9 तारीख को यहाँ भी सवारी होगी डोले शरीफ की, 10 तारीख को सवारी होगी। ये सब पेंटिंग्स बनाई गई है जो इमाम बारगाह में सजाई गई है, ये भी इमाम बारगाह है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ज्यारत कीजिए आप, आँख के अंदर ये अभी पेंटिंग बनाई गई है डोले शरीफ की, सभी जो कई दिन के जो प्लान होती है छोटे ताजे शरीफ बनाए हुए हैं। बड़ा बड़ा जल्दी हम आए हैं आज अंदरकोट कातन बावड़ी अताई में, आए हैं अंदरकोट कातन बावड़ी अताई पे, हम देखेंगे और इंटरव्यू लेंगे कि कैसे यहाँ पे इंतजाम होते हैं और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं बताएंगे चाचा हमें। जी चाचा बताइए, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। ये हम सब ये इंतजामिया हैं यहाँ के, और यहाँ जो प्रोग्राम है कम से कम 400 साल पुराना चलता चला आ रहा है। और आज 7 मुहर्रम है, आज अलम का जुलूस बड़े शान और शौकत से बहुत अच्छी तरह भाईचारे के हिसाब से निकाला गया है। और कल 8 मुहर्रम हो जाएंगे और परसों जो है यहाँ पे हमारे ताजी शरीफ बने जाएंगे। ताजी शरीफ यहाँ से बन के उसके सवारी होके तकरीबन 100 फुट दूर जाकर वापस आते हैं और सामने मस्जिद के अंदर रखे जाते हैं। फिर वो 10 तारीख को
फूल बावड़ी करबला में शराफ होते हैं। यहाँ के हम इंतजामिया हैं, मोहम्मद शकील साहब मेरे साथ हैं, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल खालिक, मोहम्मद शफी, अब्दुल रफीक, मोहम्मद इशात, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अरमान, हम तो रहमान काजी, हम सब 11 मेंबर हैं। तो 11 मेंबर हम इसको बरसों से संभालते हुए चले आ रहे हैं। हमारे खानदान दर खानदान से ये जो प्रोग्राम होता है, इसको हमारे पहले दादा संभालते थे, दादा संभालते थे, चाचा ताया संभालते थे, उसके बाद हम उनके बच्चे हैं, सब हमारे हाथों में ये इंतजाम आया है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं कातन बावड़ी के सदर साहब के पास। अब बताएंगे सदर साहब के क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, बताइए आपका नाम। मेरा नाम अब्दुल खालिक है और ये हताई कातन बावड़ी है। इसके ऊपर हर साल जो है इसी तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, चांदराज से लेकर के और पीजे तक पूरा प्रोग्राम किया जाता है। एक तारीख से मसीह खानी चालू होती है, उसके बाद में 7 तारीख को अलम का जुलूस होता है, अलम बनाया जाता है। उसके बाद में फिर 9 तारीख को भोला शरीफ बनता है, यहाँ पर उसकी सवारी होती है रात को 9:30 बजे सवारी करते हैं और 10:30 बजे हताई कातन बाव के ऊपर उसकी से रख दिया जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन 10 तारीख के दिन 2:30 बजे यहाँ से इसकी सवारी होती है और ये नीले कुएं पर सैराब कर दिया जाता है। तो आप कितने लोग हैं जो ये खिदमत को अंजाम देते हैं? आपके साथ 8 से 10 12 जनी है, 10 से 12 जनी सब कारीगर के हैं, और सब कारीगर के हैं। और ये हम खानदानी चले आ रहा है और हमारे खानदान वाले ही ये करते चले आ रहा है, हमारे बुजुर्गों से ही ये कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है। और कितने साल हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे खिदमत को अंजाम? हमारे को तो करीब 40 साल करीब तो मेरे को ही हो गए, उससे पहले हमारे बाप दादा करते जा रहे हैं, उनको भी करीब 150 साल हो गए। आज क्या क्या फंक्शन आपके यहाँ बताएं? 7 तारीख है, आज शाम को जो है यहाँ महफिल होगी और मसीह खानी होगी, उसके बाद में सलाम पढ़ा जाता है। बीमार को लगा